हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक वाईफाई कैमरा, जो कि काफ़ी सस्ता भी है और विदाउट इंटरनेट वो चल जाएगा। मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल सेटअप के लिए भी आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने मेमोरी कार्ड डालना है, जो कैमरे का वाईफाई है उसके वाईफाई को कनेक्ट करना अपने फ़ोन से, और आपका जो कैमरा है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी इंटरनेट, और वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करेगा। और मैंने इसको 4 दिन तक कंटिन्यूसली टेस्ट किया और ये लगातार रिकॉर्ड कर रहा है इंटरनेट दिए बिना, मतलब शुरू में भी इंटरनेट नहीं दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द कैमरा। तो काफ़ी अच्छा कैमरा, और कमाल की बात यह, काफ़ी सस्ता है ये। 1500 रुपये तक आपको ये कैमरा मिल जाएगा और इसको इंटरनेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 128 GB तक का इसमें मेमोरी कार्ड डल जाएगा और विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, मतलब आपको हॉटस्पॉट देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली जो इसका इंटरनल वाईफाई है उसको आपने यूज़ करना है, और आप मेमोरी कार्ड इसमें डालोगे और कैमरा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, लगातार रिकॉर्डिंग करेगा ये, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए विदाउट एनी डिले मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मेमोरी कार्ड और उसके बाद इसको करेंगे कनेक्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम करते हैं इंसर्ट मेमोरी कार्ड को। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरे पास सैनडिस्क का 32 GB का मेमोरी कार्ड, Class 10 U1 मेमोरी कार्ड है। तो इसको अगर आपने इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसका स्लोट दिया गया है और इसमें आपने ईजिली इसको इंसर्ट कर देना है इस तरह से, ये देखिए। तो इसको थोड़ा सा पुश करेंगे और पुश करते ही ये मेमोरी कार्ड इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा मेमोरी कार्ड इसके साथ हो चुका है कनेक्ट। सो गाइस, हमने अपने इस वाईफाई कैमरे में मेमोरी कार्ड कर दिया इंसर्ट, और पावर से भी इसको कनेक्ट कर दिया है, और अभी ये वाईफाई देना स्टार्ट कर चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन को इसके वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, और जो इसकी ऐप है वो है V380, तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल देखिए, जो मेरा वाईफाई है वो यहाँ पर ग्रीन टेक सॉल्यूशन से कनेक्टेड है। इधर आपको स्क्रीन आ रही होगी, तो सबसे पहले मैं वाईफाई में जाता हूँ, और यहाँ पर देखिए MV4911-8353 वो इसका वाईफाई है, इससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो सब कुछ होगा वो इसके वाईफाई के थ्रू होगा, हम इंटरनेट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करेगा मेमोरी कार्ड में। मैंने इसको 4 दिन तक कंटिन्यूसली टेस्ट किया और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आया। तो अभी हम चलेंगे अपनी एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर देखिए V380 मैंने ओपन कर लिया। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कैमरा भी आ चुका है डिवाइस नियर बाय, इसने जो हमारा ऐप है इसने ऑटोमेटिकली इस कैमरे को स्कैन कर लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद स्कैन QR कोड का यहाँ पर ऑप्शन है, तो इसको हम स्कैन करते हैं। यहाँ पर नीचे इसका QR कोड दिया गया है, तो ये हमने स्कैन कर लिया है। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पर वाईफाई स्मार्ट कैमरा है उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ऐड डिवाइस ID है इस पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए अगेन ये बोल रहा है कि QR कोड को स्कैन करो, जो इसकी ID है वो इसे चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और दोबारा से एक बार स्कैन कर लेते हैं। तो ये देखिए ID आ चुका है इसकी 4118353, जो इसके वाईफाई पे लिखा हुआ है MB के आगे, वही इसकी ID है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कंफर्म, और कंफर्म करने के बाद आपने बताना है कि ये लिविंग रूम में है या होम है, कहाँ पे आपने रखना है, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं लिविंग रूम यहाँ पर रख देता हूँ, और उसके बाद फिनिश सेटअप कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो कनेक्ट हो चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये सेट पासवर्ड के लिए बोल रहा है, ताकि और कोई इसके वाईफाई से कनेक्ट ना हो पाए। तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं कुछ भी, तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद कंफर्म कर देंगे इसको, और यहाँ पर हम नेवर कर देते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। सो गाइज, अभी जो हमारा कैमरा है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे इस फोन से। तो अभी हम जाएंगे रिकॉर्डिंग में। देखिए, हमारा जो मेन पॉइंट था आज के इस वीडियो का वो था रिकॉर्डिंग। तो अभी हम जाएंगे रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर देखिए रिप्ले का ऑप्शन है, तो रिप्ले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम माइक्रो SD कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये रिकॉर्डिंग होनी स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, विद वॉइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो ये पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्टिन्यूसली, और ये लगातार चलेगा।
और इसमें आप इवेंट रिकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं अगर आप वापस जाएंगे तो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद आपने रिकॉर्डिंग सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है, इवेंट रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड ऑडियो है। तो इसमें से आप अपने रिकॉर्डिंग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने लगातार रिकॉर्डिंग करनी है तो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिए। इवेंट रिकॉर्डिंग करनी है मतलब जब भी कोई मोशन हो, कोई भी इवेंट हो तब रिकॉर्ड करें, तब वो सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको आवाज़ भी चाहिए तो रिकॉर्ड ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया और हमारा जो कैमरा वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर चुका है। तो आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कहीं पर बाहर से आते हैं तो आपने क्या करना है, अगर आपने ऑडियो वीडियो देखनी है कि इस कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया आपके बैक पीछे से, तो आपने सिंपली यहाँ पर वाईफाई सेटिंग में जाना है और MV4911 8353 मतलब जो इसका वाईफाई है उसको सिलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। तो अलग से आपको मेमोरी कार्ड निकालने या फिर वापस इंसर्ट करने का कोई झंझट नहीं है। इसको एक बार आपने इंस्टॉल कर देना और कंटिन्यूसली ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा विदाउट एनी इंटरनेट, मतलब आपको स्टार्टिंग के लिए भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये कैमरा आपका रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये था आज के इस वीडियो में, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे कमेंट आए हुए थे कि जो ये पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास इंटरनेट ना हो तो भी क्या हम वाईफाई कैमरा लगा सकते हैं। तो उसका आंसर है ये, इस कैमरे के थ्रू आप वाईफाई कैमरा लगा सकते हो और आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूसली ये कैमरा रिकॉर्ड करता रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।